डाल ले। क्या बन रहा है? गाजर का हलवा बन रहा है स्टार। मेरी हिंदी टीचर एक बार गाजर का हलवा लेकर आई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे गाजर हमारे खराब हो रहे थे ना, हम हलवा नहीं बना रहे, हम सब्जी बनाएंगे। हम लोग कोई हलवा नहीं खाता यहाँ पे, तो इसीलिए बहुत सारे गाजर की सब्जी बनेगी यहाँ पे। तो इसलिए स्टार ग्रेट कर रही है गाजर, पहली बार ग्रेट कर रही मुझे लगता है। तो हॉलीडे रूटीन में बच्चों के साथ हमारे इधर इंटेंस कुकिंग का भी चल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है अमेजिंग सा साउथ इंडियन डिश। तो ये जो है ना, ये नॉर्मली हम लोग राइस के साथ ना चटनी के जैसे खाते हैं, तो इसको ना उल्ली तेल बोलते हैं, मतलब अनियन का जो चटनी बनता है ना वो बन रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी टेस्टी डिश होता है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए हम लोग कोकोनट को ना अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ऐसे ब्राउन होना चाहिए कोकोनट, और फिर उसके अंदर सारे जो मसाले होते हैं ना पाउडर मसाले, वो हम लोग डाल देते हैं। तो उसमें हल्दी डलता है, धनिया डलता है, मिर्ची पाउडर डलता है, थोड़ा सा नमक भी डलता है, और उसके बाद थोड़ा सा ना आप इसके अंदर फेनल पाउडर भी डालते हैं। तो इसको अच्छे से रोस्ट होने के बाद, ये ब्राउन होने के बाद, आप इसको बंद करके रखना पड़ता है। और उसके बाद जो हमारे छोटे अनियंस होते हैं ना, उसको आपको अच्छे से रोस्ट करना है। तो ये देख सकते हैं, अच्छे से ब्राउन होने तक आपको इसको रोस्ट करना है, क्योंकि इसी का जो ब्राउन कलर है ना वो आता है ये जो चटनी में। तो ये जो छोटे अनियंस है ना, इसका सबसे बड़ा काम होता है, इसको पील करके छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, अदरवाइज़ ये डिश बहुत अमेजिंग बनता है। तो इसमें थोड़े से ग्रीन चिलीज भी डले हैं, थोड़े से करी लीव्स भी डले, और साथ में जो हमने कोकोनट को रोस्ट करके रखा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है उसको, ज़्यादा वाटरी नहीं करना, आप देख सकते हैं इतना थोड़ा सा पानी आपको डाल के इसको पीसना है। और जब ये अनियंस अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे टेंडर, तो इसके अंदर ये जो हमने पीस के रखी हुई मसाला है ना, ये डालना है, और फिर इसको अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा आप चाहिए तो कोकोनट ऑयल भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, और उसके बाद जो थोड़ा सा लेमन वाटर भी आपको डालना है, पल्प, लेमन का पल्प जो होता है, लेमन नहीं सॉरी टैमरिंड का पल्प, टैमरिंड का पल्प डालना है। फिर टेस्ट के हिसाब से आपको सॉल्ट डालना है, और उसके बाद इसको कुक करके थोड़ा सा गाढ़े कंसिस्टेंसी में करना है, और ऐसे हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। सो गाइस ट्राई ज़रूर करना अगर रेसिपी पसंद आती है तो। आज जेवियन की सैटरडे है, सैटरडे छुट्टी नहीं है, उसकी ग्रुप क्लास है, और जेवियन जब से उठा स्टारवा ग्रेटिंग कर रही है ना, तो वो बता रही है जब से उठा वो इसी रूम में आके बैठा हुआ। तो सुबह उठी मैं और हम लोग ने ये रूम थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर वेब्स आ गए थे ना स्टार, इन्यूमरेबल स्पाइडर वेब्स थे यहाँ पे, बहुत सारे स्पाइडर वेब्स थे, और एकदम बड़े बड़े स्पाइडर्स थे। तो हम लोगों ने सुबह सुबह ये स्पाइडर वेब सारे क्लीन किए स्टार के रूम से, क्योंकि जेवी स्टार यहीं पे रहते हैं, प्लस ये सेक्शन पूरा साफ़ किया, यहाँ पे भी पूरे स्पाइडर वेब्स थे, लेट मी टेल यू यहाँ पे पूरे स्पाइडर वेब्स थे। तो काफ़ी टाइम से क्लीनिंग हुई नहीं थी, और ये सब सेक्शन क्लीन कर दिया है, क्लीन है, मैसी लग रहा होगा लेकिन क्लीन है, ये सब साफ करके हम लोग ने बेडशीट भी चेंज किया, और ये देखो लड़के को बेडशीट चेंज की, और ये खिड़की पर पूरे, ये खिड़की खोल नहीं सकते क्योंकि बाहर पूरे स्पाइडर्स हैं, पूरे स्पाइडर वेब्स है बाहर। तो बिल्डिंग के बाहर लोग क्लीन करेंगे तो अच्छा होगा, पर लेकिन बाहर पूरे स्पाइडर वेब्स है, और जेविन हमेशा इस पर चढ़ चढ़ के खेलता रहता है। एंड जेवी का एक दांत भी टूट चुका है, शमी टीथ, डॉक्टर स्टारलेट ने दांत तोड़ दिया, डॉक्टर स्टारलेट ने जेवी का एक दांत तोड़ दिया। तो स्टारलेट ने जेवी का दांत खेल रहा था, शमी टीथ बेबी, शमी टीथ, शमी टीथ, हाँ देखो अपनी खूबसूरती देखो प्ले बटन पे, शमी टीथ। तो एक ये दांत भी जेवी का हिल रहा है, ये भी तोड़ना है, ये दांत टूट चुका है तो ये भी तोड़ना है। सो यही है भाई, सुबह उठ के सारा काम किया, झाड़ू वाड़ू मारा, बेडशीट चेंज कर दिया, एंड अभी दूसरे काम चल रहा है। इंटेंस गाजर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग, इंटेंस गाजर ग्रेटिंग। जेवी व्हाट इज स्टार्ट डूइंग, जेवी व्हाट इज स्टार्ट डूइंग, जेवी व्हाट इज स्टार्ट डूइंग, टावर ऑफ गाजर, टावर ऑफ गाजर हलवा बना के देते तुमको। नेक्स्ट माय नेम जी, माय नेम आई एस, हाँ यू जेविंग द स्प्रिंग आता राइट, हाँ
गाइस कुकिंग और क्लीनिंग के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छुट्टी के दिन चलता है वो है जेवियन की पढ़ाई, क्योंकि जेवियन को ऐसे छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको हमने 2 दिन आराम से रेस्ट करने दे दिया तो मंडे स्कूल जाने में उसको बहुत कंटाल आता है। वैसे भी उसको पढ़ाने के बाद उसको कंटाला ही आता है, तो यहाँ पर मैंने उसको राइटिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दे दी थी। तो यहाँ पर उसको कोडिंग दे दिया था, बिफोर आफ्टर नंबर्स दे दिया था और नंबर राइटिंग भी दे दिया था, और साथ में उसको ना मी माई सेल्फ वाले क्वेश्चन भी दे दिए थे। तो आजकल वो ना सेंटेंस बेसिस पे लिखने लग गया है और मैथ्स में भी एडिशन कर लेता है, वो 2 डिजिट एडिशन भी कर लेता है वो। तो ये जो है ना उसको थरो प्रैक्टिस कराते रहना ज़रूरी होता है, तो वही मैं घर पे उसको प्रैक्टिस करा रही थी ताकि वो मंडे जब स्कूल जाए तो थोड़ा सा इक्विप्ड रहे। पर जेवियन तो जेवियन है, उसके मूड के हिसाब से सब चलता है, मतलब कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है कि मतलब अगर आज वो कर रहा है तो कल करेगा ही, ऐसा नहीं होता। कल भी वो चाहिए तो नहीं करेगा, ऐसा भी चलता है जेवी का। डीप क्लीनिंग चल रही है। पहले मैंने डीप क्लीनिंग कैरेट की, फिर उसके बाद अभी माइक्रोवेव की। करेगा उधर सारे कैरेट चलते हुए। ओह माय गॉड, कलर्ड बाय जेवियर ना। Show me. देवी ने अपना नाम भी लिख दिया कि और कोई क्लेम ना करे कि देवी ने कलर किया है। पिंक, ग्रीन, ये व्हाट इज दिस ग्राउंड? ये वो है, क्या बोलते, ग्रास, ट्रीज, बुश। और ये लाइन भी कितना मस्त कलर है यार, दिस इज लुकिंग सो नाइस। देवी से दिस इज सो नाइस, सो नाइस। व्हाट इज दिस? हु कलर्ड दिस? Who colored, Zevian? खत्म नहीं हुई Zevian की कलरिंग। पहली बार थोड़ा अच्छा कलरिंग किया Zevian ने। रब भी कर रहा है उसको। Why are you rubbing it? केक बनाना था। It's not perfect, Zevian. It's not perfect yet. The detail master. Detailing. Okay. No, Zevian is like. He likes detailing. देवी के ग्रुप क्लास में, होपफुली आज वो ढंग लग रहा है ग्रास। सो गाइस वी आर गोइंग होम। नए घास ढल चुके हैं, ये चेंज हो चुका है जेवियन के स्कूल का। नया घास पूरा ढल चुका है और पुराना घास पूरा हट चुका है। इट्स लुकिंग सो नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड फ्रेश एंड न्यू। मुझे भी, मेरा घर ऐसा होगा ना तो मुझे भी तो मैं बोलने वाली थी कि ऐसा होना चाहिए बरामदे, ऐसा ग्राउंड बनाना, मैं इधर खेलूंगी। यस, जेवियन अपना शूज पहन रहा है। जितना कचरा कर सकता था उतना उसने कचरा कर दिया ग्रुप क्लास का। ग्रुप क्लास के पहले मैं आप लोग से मिली थी और मैंने बोला था होपफुली आज जेवियन अच्छे से कर ले। घर से भी उसको मैंने समझा बजा के भेजी थी कि अच्छे से करना, लेकिन पूरा उसने कचरा कर दिया ग्रुप क्लास का। ऐसा नहीं कि उसको कुछ आता नहीं, लेकिन बस मूड नहीं है, करना नहीं है। स्कूल तो जाना नहीं, इनको स्कूल जाना नहीं है। वापस जाते साथ ही एक बच्चे को धक्का मार दिया। धक्का नहीं मारा, उसके साइज के हिसाब से उसको पकड़ा, वो गिर गया बेचारा। उसके बाद टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दिया। उसके बाद टीचर ने काउंटिंग करने के लिए उसको डेस्क पे बुलाया, तो आना नहीं उसको, फिर काउंटिंग करना नहीं है। रोना धोना तो अलग ही लेवल पे था और अभी हंस रहा है वो। दांत तोड़ दूंगी मैं तेरा। एक्चुअली वो बच्चे की टी शर्ट भी पूरा डायनासोर वगैरह बना था, तो वो देखने गया कि वो गिर गया। हाँ, वो देखने गया, उसको टच किया, वो गिर गया। पता नहीं वो ऐसे बैठा ही था कि गिरने के पोजीशन में, और फिर गिरने के बाद वो उधर उधर लटक रहा वो भी अलग लेवल का मस्ती कर रहा था वो लड़का। सो यस, जेवियन ने कचरा कर दिया और अब वो मुझसे आइसक्रीम मांग रहा है कि मम्मा आइसक्रीम दिला मेरे इतने बैड बिहेवियर के लिए, मुझे ट्रीट दो। Treat for my amazing acting. Amazing crying acting. Unnecessary. Zevi, did you eat? Tiffin? Did you eat tiffin? Tiffin खा लिया उसने, thank God. Yes. और पहली बार Zevi ने अपना tiffin complete किया था। हम लोग ने cutlets भेजे छोटे छोटे करके ना, उसको cutlets को छोटे छोटे करके भेजे थे, तो इसलिए उसने कंप्लीट कर दिया। किसी ने जेवियन के एक ब्लॉग में बोला था कि चिकन कौन भेजता है टिफिन में, वो चिकन नहीं थे, इट वॉज लाइक अ नगेट बॉल, और जो चीज़ बच्चे को पसंद हो वो भेजो, तो वो एक्टिवली खाता भी है। और स्पेसिफिकली जब आप टीचिंग फेज में हो बच्चे को कि टिफ़िन खाने के,
तो उसमें उनको अगर कुछ जो चीज़ पसंद है वो भेज दो तो ज़्यादा, क्योंकि जेवन के केस में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भेज सकते, नहीं खा सकता वो, ब्रेड हो, बिस्किट हो, ऐसे ग्लूटेन फ्री डाइट पे वो बेचारा, तो इसीलिए फिर भी डाइट करके भी पतला नहीं हो रहा ये। क्यों नहीं पतला हो रहा तुम? रागी का हम क्यों नहीं, आई थिंक उसको ग्लूटेन फ्री रोटी देते हैं और मतलब काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें डाइट कंट्रोल पे उसके, फिर भी ओके गाइस चलो। गर्मी तो ऐसी है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे घर जाके नहाना भी है, तेल लगा के आई हूँ मैं सर पे, पूरा तेल पोत के आई हूँ मैं, तो घर जाके तेल नहाऊंगी मैं, और मेरा हाथ दुख रहा है यार। देवी 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 दोनों का हाथ पकड़ के चल रहा है। देवी से बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर। हां वो अपना दांत दिखा रहा है। बाप रे बंदर देख के और एक्साइटेड। सी सो ये थी आज आज सारी एक बार एक दांत भी तोड़ने वाली। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, बी टीथलेस, बिहेव योरसेल्फ। सो गाइस आइसक्रीम ले लिया, देवी का तो बैग में डाल दिया, स्टार की आइसक्रीम पिघल रही है, इट्स लिटरली मेल्टिंग मेल्टिंग। सामान भी ले लिया, बैग में डाल दिया मैंने थोड़ा सा, और दुकान में मैं वीडियो नहीं ले सकती बिकॉज इट्स लाइक रियली, दुकान में घुसते जाते ही देवी को सब कुछ चाहिए, तो इसीलिए देवी को पकड़ो, पैसे देखो, सामान लो, सो नॉट पॉसिबल। अभी भी चलो घर चलते हैं पहले, और ये देखो हाथ नहीं पकड़ता, ऐसे पकड़ता। What did you draw? Say. I draw. Huh. What did you draw? You painting the Lydia. What did you draw? No making sounds. I draw. Say. Zebra. And? Giraffe. Huh? Elephants, huh? Meerkats, huh? Lion, ostrich, tiger, and bull. Wow, so many you draw. Mm. Show everybody, what did you draw? Where is meerkat? Where is meerkat? Tell everybody this is meerkat. Which is meerkat? Say. Okay, wait, a mama. Meerkat. Show everybody. This is meerkat. Show. Say. Meerkats. Okay. Star and जेवी ने ये मिलके ये पेंटिंग बनाई है जो जेवी को अपने स्कूल में सबमिट करना है। हाइड मत करो। What is this, जेवी? छोड़ो। तो ये वाला पेंटिंग दोनों ने मिलके बनाया और कलर किया है, जेवी को अपना स्किल दिखाना है स्कूल में। सो ये वाला पेंटिंग बनाया है, तो स्कूल में सबमिट कर लेंगे ना। जेवी विल गिव इट टू ओशन मिस, ओके? हु विल गिव? वी गिव इट ओशन मिस। से आई विल गिव इट टू, से आई गिव यू ओशन मिस, आई गिव यू जबड़ी, जबड़ी, जबड़ी। हु इज जबड़ी? जबड़ी इज सेइंग जबड़ी जेविन, जेविन इज जबड़ी। हु इज द क्यूटी बॉय? हु इज द क्यूटी बॉय? क्यूटी, क्यूटी बॉय। आई क्यूटी बॉय। जेविन ने मेरा फोन गिरा दिया। हु इज द क्यूटी बॉय? क्यूटी बॉय, cutie boy is Zayn. Oh my god, cutie boy is Zayn. Who is the naughty boy then? Naughty boy, huh? Boys, Zayn. Okay, Zayn, star is a girl or a boy? Star is a girl or a boy? Girl. Okay, yeah. And mama is a turkey. Mama is a turkey? No, mama is a girl or a boy? Girl. Okay, and papa is a? Papa is a? Boy. Oh, very good.